हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया यूट्यूब चैनल को कैसे सर्च लिस्ट में लाया जाए। आई कौशिक सर वेलकम यू टू योर फेवरेट चैनल कंप्यूटर गुरु। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ मेरा चैनल कैसे सर्च लिस्ट में आ रहा है। तो उसके लिए मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन किया, फिर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेरा अपना चैनल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो पहले में आ रहा है ये मेरा अपना चैनल है। जब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो वो मेरा अपना चैनल यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कितने सारे आ रहा है, ये वाला कंप्यूटर गुरु कौशिक, ठीक है, उसी तरह आ रहा है। तो इस सर्च लिस्ट में अपने YouTube चैनल को कैसे लाएं, मतलब ये वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है ये कैसे अपने आप आए। जब भी मैं वहाँ पे सर्च करता हूँ कंप्यूटर गुरु तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे पहले ही मेरा अपना चैनल शो कर रहा है। और नीचे देखिए कितना सारा वीडियो, सभी मेरा ही अपना सभी वीडियो दिखा रहा है। तो ये कैसे किया जाए, इसको हम कैसे अप्लाई करें, ठीक है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा अपने YouTube चैनल में, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले अपने मोबाइल का जो ब्राउज़र है, मतलब सिर्फ गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है उस ब्राउज़र को ओपन कीजिए, फिर यहाँ पे अपने चैनल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। अपने चैनल को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा अपना आइकन यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब मेरा चैनल लॉगिन हो गया है, ठीक है। फिर उस आइकन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, फिर यहाँ योर चैनल वॉल के एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो के नाम से जो एक ऑप्शन दिख रहा है आप इसमें क्लिक कीजिए, ठीक है। आप जब YouTube स्टूडियो ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आने के बाद आप क्या कीजिए, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आप जब जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये हो गया हमारा यूट्यूब चैनल का सेटिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, इस सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करना है। आप जब सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक न्यू स्क्रीन डिस्प्ले होगा, ठीक है, सेटिंग का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है जनरल का और सेकंड वाला ऑप्शन है चैनल का, ठीक है। आप इस चैनल ऑप्शन में क्लिक करें। जब आप चैनल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ कीवर्ड का लिस्ट दिया हुआ है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर में यहाँ पे हमारा चैनल का कीवर्ड दिया हुआ है, मतलब इसमें हमको अपने चैनल का कीवर्ड वैरायटी टाइप में लिखना है। आप देख ही पा रहे होंगे मैं कैसे यहाँ पे ऐड किया हूँ मेरे अपने चैनल का कीवर्ड को। आप चाहे तो इस कि सभी कीवर्ड को एक स्क्रीनशॉट लेके इसी के हिसाब से आप अपने चैनल का कीवर्ड डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो जितना भी कीवर्ड है सभी को डालने के बाद, ठीक है, ये जो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसी तरह आपको लिख लेने के बाद आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे सेव जो ऑप्शन एक दिख रहा है आप उस सेव ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। समझ में आया, मतलब अपने चैनल का जितना भी कीवर्ड है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे और एक सोचिए मैं टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौशिक, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सोचिए मैं कौशिक लिख दिया फिर एंटर मार दिया तो ये एक बॉक्स में आ गया। देखिए मैं जब एक और एक
मतलब कीवर्ड यहाँ पे एंट्री किया तब ये जो सेव ऑप्शन है ये एक्टिव हो गया। ठीक है, मतलब आपको इसी तरह से अपने चैनल का कीवर्ड सभी डाल देना है इसी बॉक्स में। डालने के बाद आप यहाँ पे जो सेव ऑप्शन दिख रहा है इस सेव ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। जब आप सेव ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो वो सभी कीवर्ड आपके चैनल सेटिंग में सेट हो जाएगा। समझ में आया, आपके चैनल में सेट हो जाएगा। फिर 5-7 दिन के बाद आप भी जब सर्च करेंगे अपने YouTube चैनल को YouTube सर्च इंजन में वो पहले लिस्ट में आएगा। ठीक है, यही था एक्चुअली टेक्निक कि हम अपने चैनल को सर्च इंजन में कैसे लाएं। तो मेरे को लग रहा है आप सभी समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह अपने चैनल का सेटिंग को चेंज कीजिए, उसमें सभी कीवर्ड को डाल दीजिए। डालने के बाद उसको सेव कर लीजिए ताकि आपका भी चैनल सर्च इंजन में पहले आए। ठीक है, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मतलब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला आइकन को, बेल आइकन को ऑल में सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।